मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास लेनोवो का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल लेनोवो आइडिया पैड 330 में भी आती है, ये सीरीज 320 भी आता है। तो ये 330 है 15 IS के। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत ही स्लो चल रहा है। आप देखोगे अब तक ये खुलना भी शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसी का इस चीज का इलाज क्या है कि हमारी मशीन स्लो चल रही है, इस चीज का इलाज क्या है? इस चीज का इलाज है कि ये हार्ड डिस्क पे चल रही है, इसमें SSD हमें लगानी पड़ी। SSD ही आज के लैपटॉप में यदि आपका स्लो चल रहा है तो आप SSD लगा के ही उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इलाज नहीं है। क्योंकि क्या होता है, विंडो 10 में हिडन फाइल बहुत ज्यादा होती है जो बहुत ही कम रूट से डाटा ट्रांसफर करती है, डाटा ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लेती है और हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ही कम होती है। क्योंकि आजकल हमारे लैपटॉप में भी 5400 RPM की हार्ड डिस्क आने लगी, जो पहले लैपटॉप होते थे उनमें 7200 RPM की हार्ड डिस्क आती थी और डाटा स्पीड बहुत अच्छी होती थी। तो ये इसी कारण यही है। अब आप देखोगे अब तक ये स्टार्ट हुआ है, इसने अपना घूमना शुरू किया है, काफी टाइम में ये खुलेगा या जब इसमें SSD लग जाएगी तो वो 10 times फास्टर हो जाएगा, 10 times फास्टर मूव करना शुरू करेगी। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे SSD लगाते हैं और SSD कितना अच्छा काम करती है इस वीडियो के माध्यम से। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। हम आपको दिखाते हैं, अभी ये ओपन नहीं हुआ है अब तक, तो हम सारा पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। हमारा ओपन हुआ है लैपटॉप, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि SSD कैसे लगाते हैं और वो कितनी फास्ट होती है। ये आप देखोगे क्लिक करते हैं तो फाइल नहीं खुलती है। अब आप देखो अब तक इस पे आया, अब जाके आया है। कोई हम वर्ड की फाइल खोलते हैं, सपोज करो हम आपको इसमें वर्ड की फाइल एक्सेल की ये फाइल खोल के दिखाते हैं, ये क्या करता है, घूमता रहता है। 15 KB की फाइल है तभी भी इतनी स्लो कर खोलता है, तो बहुत ही टाइम लेता है ये। क्या कारण क्या होता है, वही जो हमने आपको पहले बताया है, हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती है, वो डाटा ट्रांसफर करने में टाइम लेती है, और SSD की डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अच्छी होती है। नहीं खोल पा रहा ये इस फाइल को, हम बहुत तरीकों से खोलते हैं तो बहुत ही टाइम लेगा, खोलेगा तो जरूर पर टाइम ज्यादा लेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करोगे, कोई वर्ड की, एक्सेल की, कोई यूट्यूब, आपको किसी ऑनलाइन वगैरह कुछ करना है तो उसमें सब में टाइम लेगा, गूगल क्रोम खोलोगे उसमें भी टाइम लेगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। अब इसने काम करना शुरू किया, आपने देखा ये काम करना इसने एक्सेल ने शुरू किया है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करना होता है। अब जाके ये हमारी फाइल खुली और 15 KB की मात्र ये फाइल है, 15 KB। अब मैं कोई गूगल फायरफॉक्स ही खोलता हूँ तो ये फायरफॉक्स खोलने में भी काफी टाइम लेता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। आप रेस्पॉन्स टाइम देखोगे, बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्स टाइम है इसका, रेस्पॉन्स बहुत ही लेट करता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। शटडाउन होने में भी आप देख रहे हो बहुत ही टाइम ले रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, हमारी लाइट जल रही है, अभी मशीन शटडाउन नहीं है, स्क्रीन पे से डिस्प्ले चला गया पर मशीन शटडाउन नहीं हुआ। करते हैं लैपटॉप को खोलेंगे, इंटरनल बैटरी होती है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, जब इंटरनल बैटरी होती है तो सबसे पहले बैटरी को रिमूव करें। सूरज कंप्यूटर्स में आप देखोगे काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, मेहनत के साथ होता है, कोई पार्ट इधर उधर ना हो जाए उसके लिए हम ट्रे यूज करते हैं। ये हमारी बैटरी है, सबसे पहले इसी को रिमूव करते हैं। इसमें आप देखोगे M.2 का ऑप्शन नहीं है, अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनमें M.2 NVMe का ऑप्शन होता है, आपकी हार्ड डिस्क भी लगी रहेगी और यहाँ पे एक चिप आती है, NVMe की SSD आती है वो लग जाती है, हार्ड डिस्क प्लस SSD हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यदि इस कंडीशन में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हम हार्ड डिस्क को हटा के यहाँ पे SSD फिट करेंगे और ये जो DVD वाला स्पेस है उस DVD वाले स्पेस को हम कैडी के लिए यूज करते हैं जिसमें हमारी हार्ड डिस्क फिट हो जाए। ये कैडी टाइप आती है, ये कीबोर्ड की जगह यहाँ पे फिट हो जाती है, सॉरी DVD की जगह ये यहाँ पे फिट हो जाती है, इसमें हमारी हार्ड डिस्क फिट हो जाती है। कुछ भी काम करने से पहले लैपटॉप का में सबसे पहला ऑप्शन होता है आप बैटरी को रिमूव करेंगे। वैसे इसके खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्ड डिस्क यहाँ से हम उठाएंगे तो हार्ड डिस्क ही बाहर आ जाएगी। हार्ड डिस्क निकाल दिए, हार्ड डिस्क को हटाएंगे।
ये हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें हम एसएसडी लगाएंगे। ये क्रूसियल की BX500 एसएसडी है, ये हम इसमें लगाते हैं। एसएसडी बहुत तरीके की आती है, क्रूसियल, WD, सैमसंग। तो हम एक वीडियो इसकी भी बनाएंगे कि कौन सी अच्छी होती है एसएसडी। ये हमने SSD बाहर निकाल दिए पैकिंग से। और ये आप हार्ड डिस्क देखोगे तो साइज सेम होता है, 2.5 इंच की होती है। ये भी साटा होती है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। यदि M.2 का ऑप्शन होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, हार्ड डिस्क और SSD दोनों इकट्ठी लग जाती है। नहीं, हमें इसमें DVD बाहर निकालना पड़ेगा और DVD की जगह हमें SSD लगानी, वो हार्ड डिस्क लगाएंगे, SSD हार्ड डिस्क की जगह लगेगी। ये हमने अपनी SSD फिट कर दी है हार्ड डिस्क की जगह। और एक चीज आप देखो कितना पूरा गंदा हो रखा है, टाइम टाइम पे लैपटॉप की सर्विस भी कराते लेते रहना चाहिए। और समय समय पर अपने इंच के स्क्रू भी टाइट कराते रहना चाहिए। SSD लगा दी हमने, अभी हम ओपन ही यूज करेंगे, ये इसका विंडो वगैरह करना है। तो जब पैक करेंगे तब फिर इसको पूरा कंप्लीट पैक करना है। अभी हम इसमें विंडो डालने के लिए इसको हाफ में ही बिना चार्ज बिना बैटरी के ही विंडो डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है बैटरी लगाने की। ये OS की पेन ड्राइव होती है। ये अब हमने विंडो डालनी स्टार्ट कर दी है, इसमें आधा घंटे का प्रोसेस होता है। विंडो डलेगी फिर हम आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हमारी मशीन SSD लगने के बाद कैसा परफॉर्मेंस कर। SSD लगा दी है लैपटॉप में, अब इसको लैपटॉप में SSD लगाने के बाद हम खोल रहे हैं तो आप देखोगे कि क्लिक करते ही हमारी कोई भी, जैसे कि हमने माई कंप्यूटर खोला तो क्लिक करते ही खुल जा रहा है। कोई हम फाइल भी खोलेंगे, गूगल क्रोम हम खोलते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया इसमें वो इंस्टॉल था मोजिला, तो मोजिला खोलने में कितना टाइम लिया और गूगल क्रोम ये दूसरी यानी ब्राउजर खोलने में कितना टाइम ले रहा है। अब हम दिखाते हैं आपको एज ए कंपेरिजन में कि शटडाउन करने में कितना टाइम ले रहा था और अब हम शटडाउन कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा है। ये इस उस पे जाएगा, थोड़ा अपडेट पे, इसके अपडेट रुके हुए हैं तो उसमें टाइम लेगा, पर बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है। ओवरऑल SSD लगाने के बाद मशीन बहुत ही अच्छी फास्ट हो जाती है, बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। यदि आपके पास भी कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार का लैपटॉप हो, सभी में हम SSD अपग्रेड कर देते हैं। यदि आपको जरूरत है तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की बीमारी से आप ग्रसित यदि है कि आपका मशीन स्लो चल रही है और आपको उसको फेंकने का मन हो रहा है तो इसके आप अपनी मशीन मत फेंके, उसे अपग्रेड कराए SSD में और मजा ले स्पीड का। धन्यवाद।